मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के उदयनगर से एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 7 साल के नाबालिग बच्ची के साथ 39 साल के एक व्यक्ति ने अश्लील हरकत की है। हालांकि मुंब्रा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम जुबेर अहमद रहमतुल्ला शेख तवक्कल 39 साल है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के एपीआई कृपाली बोरसे से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी जुबेर अहमद शेख ये कर्नाटक के यादगीर गांव का रहने वाला है और करीब 10 से 15 दिन पहले ही जुबेर अपनी बीवी के साथ किराए के मकान में रहने के लिए मुंब्रा के उदयनगर में शिफ्ट हुआ था। जुबेर की बीवी के साथ भी जुबेर का विवाद चल रहा था और इसकी बीवी ने गांव में ही इसके ऊपर केस दर्ज कराई थी और इसी केस के सिलसिले में जुबेर की बीवी गांव चली गई और जुबेर अकेला घर में रहने लगा। इसी दौरान जुबेर की बुरी नज़र उसके घर के पास खेलने वाली एक 7 साल की नाबालिग बच्ची पर पड़ी और उस बच्ची को खेलने के लिए जुबेर अपने घर के अंदर बुलाया और उस बच्ची के साथ उसने अश्लील हरकत की। यही हरकत जुबेर ने उस बच्ची के साथ दूसरे दिन भी की। अश्लील हरकत बच्ची के साथ होने की वजह से ये बच्ची काफी डरी और सहमी सहमी सी रहने लगी। बच्ची को खामोश रहते देख बच्ची की मां ने जब बच्ची से पूछताछ की और बच्ची ने जो कुछ भी बताया उसे सुनते ही मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि इस बच्चे की मां ने इसकी जानकारी तत्काल मुंब्रा पुलिस को दी और मुंब्रा पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली उसके बाद एपीआई कृपाली बोरसे और पुलिस नायक रुपेश चिटके, पुलिस नायक कृपन, पुलिस नायक गायकर और जमदाड़े पुलिस नायक कुंभार ये पूरी टीम ने आरोपी जुबेर अहमद को उदयनगर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 377, 376 पोस्को के तहत पोस्को 4, 6, 8, 10, 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस पूरे मामले की आगे की जांच पड़ताल एपीआई तांबे कर रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।